नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आपका अपना एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में आप बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ सुनने जा रहे हैं। जी हाँ, यदि आप यूपी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, आज की न्यूज़ पढ़ने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल आपका अपना एजुकेशन पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल आपका अपना एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड अप्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से रोजाना नई वीडियो मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो है वो है प्राइमरी यानी प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती की तैयारी में जुटे प्रतियोगियों के लिए यह अहम खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टीईटी की तारीख में एक बार फिर बदलाव होगा। यह अहम इम्तहान अब अक्टूबर या नवंबर में कराए जाने की तैयारी है। जी हाँ, जो एग्ज़ाम है यूपी टीईटी का अक्टूबर या नवंबर में कराने की तैयारी है। इसके अलावा परीक्षा संस्था ने 19 दिसंबर की तारीख प्रस्तावित की थी, लेकिन विभागीय मंत्री ने सहमति ना देकर तारीखों को रिवाइज करने का निर्देश दिया है ताकि उसके बाद शिक्षक भर्ती कराने की गुंजाइश बनी रहे। सूबे में दिसंबर के बाद कभी भी विधानसभा चुनाव हो सकता है, इसलिए परीक्षा आदि 15 दिसंबर के पहले कराई जा रही है। जैसे कि आपको पता ही है, यूपी के अंदर अगले साल यानी कि फरवरी मार्च में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये जो परीक्षा है वो आपकी नवंबर तक जरूर हो जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी व उच्च प्राइमरी यानी कि 1 से 8 तक के शिक्षक बनने के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। वह चाहे प्रदेश सरकार की यूपीटीईटी हो या फिर केंद्र सरकार की सीईटी, इसमें बीएड, डीएलएड व बीटीसी आदि पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। परीक्षा एक ही दिन में 2 पाली में कक्षा 1 से 5 व 6 से 8 तक कराई जाती है। इसे उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। शासन ने 15 मार्च को परीक्षा कराने की समय सारणी जारी की थी। 11 मई को नोटिफिकेशन करके ऑनलाइन आवेदन 18 मई से 1 जून तक के लिए जाने थे। परीक्षा 25 जुलाई को होनी थी। उस समय कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर प्रभावित होने के कारण शासन ने आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव उत्तर प्रदेश ने जुलाई में संशोधित समय सारणी भेजी थी। इसमें 19 दिसंबर को परीक्षा प्रस्तावित थी। 7 अगस्त को समीक्षा बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने इस पर सहमति जताई थी। पूछा कि पिछले वर्ष की कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं हो सकी, इस बार इतना विलंब क्यों, परीक्षा और पहले कराई जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है जो परीक्षा है वो 2021 दिसंबर से पहले ज़रूर हो जाएगी। तो आप हमारे YouTube चैनल जुड़े रहे, यूपी टीईटी की आने वाली जो भी न्यूज़ होगी वो आपको हमारे YouTube चैनल से ज़रूर मिलेगी। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।